हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बायो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एनसीईआरटी हमारी कौन सी है, 11 है। और 11 का हम लोग चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं उसको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में हमने बहुत कुछ यहाँ से सीख लिया, तो आज हम लोग इसके एंजाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और ये एनसीईआरटी है, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एंजाइम्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एंजाइम जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एग्जामिन, ठीक है, मतलब एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद में देर आर द सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट वी हैव लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो हमारे क्या है, एंजाइम की तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं। दीस कॉल्ड, इनको क्या है, राइबोजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो राइबोजाइम्स ये भी हमारे क्या है, न्यूक्लिक एसिड के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय द लाइन डायग्राम्स, ठीक है। एक हम ड्रॉ कर सकते हैं एंजाइम को एक लाइन की तरह। एन एंजाइम्स लाइक एनी द प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंजाइम्स हमारे क्या है, प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अमीनो एसिड आर सिक्वेंस ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, अमीनो एसिड का सिक्वेंस इन प्रोटीन्स में होता है। एंड एंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम्स हमारे प्रोटीन के ही बने होते हैं, और प्रोटीन में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें जो फिगर पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चैन फोल्डिंग। पीछे हमने पढ़ा था, तो टर्सरी जो स्ट्रक्चर हमारे थे, तो ये किस तरीका से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उनमें बन रहे थे, तो इसी को उन्होंने कहा था, इनमें कुछ फोल्ड्स नजर आए थे। ये हमारे क्या है, फोल्ड है, यहाँ पे ये फोल्ड नजर आए थे, बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चैन फोल्ड, ठीक है, अपॉन इट सेल्फ द चैन क्रिस क्रॉस इट सेल्फ है। इसमें कुछ क्रिस क्रॉस यहाँ पे देखने को मिलते हैं चैन में, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे हमारे क्या है, ये क्रिस क्रॉस है हमारे। अब ये क्रिस क्रॉस इट सेल्फ एंड हैंस मैनी क्रेविसेस और एंजाइम्स, क्रेविसेस और पॉकेट्स आर मेड, ठीक है। इन्हीं को हम क्या है, क्रेविसेस कह रहे हैं, और इन्हीं को क्या है, पॉकेट हमने यहां से बोल दिया, क्रेविसेस यहां से मिल गए, या इन्हीं को क्या है, हम लोग पॉकेट कह रहे हैं। ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको देखने को, टर्सरी और स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और इसी को क्या है, क्रिस क्रॉस और इटसेल्फ एंड द पॉकेट स्ट्रक्चर मेड वन सच पॉकेट इट्स एक्टिव साइड। इसी को क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्टिव साइड देखने को मिलती है, इसी को एक्टिव साइड कहते हैं। एन एक्टिव साइड एंड एंजाइम्स क्रेविसिस क्रेविस और पॉकेट इन टू दिच सबस्ट्रेट फिट होते हैं, ठीक है। यही हमारे एंजाइम है, टर्सरी स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है, और इनमें क्या क्या है, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं को पॉकेट कहते हैं, इन्हीं को क्रेविसेस कहते हैं। और यहीं पे हमारे क्या है, जो सबस्ट्रेट होते हैं यानी जो क्रिया में भाग लेते हैं, और वो सबस्ट्रेट आके यहाँ पे फिट बैठ जाते हैं, उनमें एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पे, और इसी को एक्टिव साइट कहते हैं। एंड दस द एंजाइम्स थ्रो देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट हायर रेट। इसी के थ्रू जो एक्स जो उनकी रेट होती है कैटलाइज एकदम बढ़ जाती है, हायर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वे प्रोटीन्स क्या काम करती है, एंजाइम बहुत सारे सब्सट्रेट को इकट्ठा कर लेती है और उनमें जो रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देती है। एंजाइम्स हमारे क्या है, कैटालाइट्स होते हैं, डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटालाइट्स। ये हमारे इनऑर्गेनिक कैटालाइट से डिफर होते हैं इन मेनी बेस, बहुत सारे तरीकों से अलग होते हैं। ऑर्गेनिक कैटालाइज और इनऑर्गेनिक कैटालाइज अलग अलग होते हैं, बट कुछ इसमें सिमिलरिटी दी है, यहाँ से कुछ हम से हो जाएगा।
वट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन इनऑर्गेनिक कैटेलाइज्ड वर्क द एफिशिएंसी इन हायर टेम्परेचर। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कैटेलाइज्ड होते हैं यानी एंजाइम्स होते हैं वो हमारे कैसे वर्क करते हैं, हायर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं। तो इसको याद रखना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हमारे इनऑर्गेनिक कैटेलाइज्ड वर्क करते हैं, व्हाइल द एंजाइम्स गेट द डैमेज एट हाई टेम्परेचर से अबव द 40 डिग्री पे। ठीक है, जबकि हमारे एंजाइम्स होते हैं हमारे कैसे 40 डिग्री पे डिग्रेड हो जाते हैं, डिनेचर हो जाता है। हाउ एवर द एंजाइम्स आइसोलेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे हाई टेम्परेचर पे लिव रह रहे हैं यानी रह रहे हैं, तो उनसे कुछ एग्जाम वहां से आइसोलेट भी किए हैं, दैट इज हमारे कैसे हैं हॉट बैंड्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स। ठीक है, सल्फर स्प्रिंग ऐसे होते हैं जहां पे सल्फर कंटेनिंग झरने होते हैं, वहां से स्टेबल कुछ आर्क्यू बैक्टीरियाज वहां देखने को मिलते थे, रिटेन द देयर द कैटलिस्ट पावर इवन हाई टेम्परेचर पे भी कुछ एंजाइम्स की पावर देखने को मिली 82-90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। थर्मल स्टेबिलिटी दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द सच एंजाइम्स आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक इनको बैक्टीरिया बोलते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, सल्फर कंटेनिंग स्प्रिंग पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इनमें जो एंजाइम्स देखने को मिलते हैं वो एंजाइम्स हमारे 82-90 डिग्री पर भी काम करते हैं, तो वैरायटी इनमें बहुत देखने को मिलती है हमारे एंजाइम्स में। ठीक है, अब इनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस देखने को होती है, अब उसको समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द दीज एंजाइम्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो द टू टाइप ऑफ द चेंज, अ फिजिकली चेंज और हमारे कैसे होते हैं, सिंपली रेफर टू द चेंज इन शेप एंड विदाउट ब्रेकिंग द बोन्स। एक तो फिजिकली चेंज होते हैं जिनमें कोई उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं देखने को आपको मिलेगी, उनके बॉन्ड्स में चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगी, उनको हम लोग क्या है फिजिकली प्रोसेस कहते हैं। अनदर द फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज स्टेट ऑफ द मैटर व्हेन आइस मेल्ट इनटू द वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, जैसे हम आइस को वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर हमारे क्या है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमारे जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी शेप बदल जाती है, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। लेकिन हालांकि व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं और नया प्रोडक्ट एक बन जाता है, उसको हम लोग केमिकल अनफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग का है केमिकल। तो दो रिएक्शन समझ के आए, एक फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल रिएक्शन में उसकी शेप बदल जाती है बट उसका जो कंपाउंड का नेचर नहीं बदलता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में उसकी शेप बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है, उसकी कंपोजिशन बदल जाती है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है केमिकल रिएक्शन से, यहाँ पे क्या है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फर, ठीक है, H2SO4 के संग अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और हमारे क्या है मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है बन जाते हैं हमारे वाटर के। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या है बदल के केमिकल रिएक्शन इसमें हो गई, इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारा चेंज हो गया किसमें, बेरियम सल्फेट में बदल गया। और यहाँ से तो ये हमारी कैसे हो गई, इतने से इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारी कैसे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हो गए, इसमें ऑर्गेनिक को ही कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं किया। सिमिलर टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च इनटू द ग्लूकोज, और स्टार्च से मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, तब उसको हम लोग क्या है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे दो प्रकार की हो गई, इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक हो गया फिजिकल है, और केमिकल रिएक्शन हमारी रेट ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो रेट हमारे इसका जो केमिकल का रेट हमारे कैसे ऐसे निकलता है, ये डेल्टा प्रोडक्ट पर टाइम है, प्रोडक्ट पर टाइम इसको याद रखना। कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी कहते हैं, इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड होती है, द रेट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर
इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग द अदर फैक्टर्स, ठीक है। इनके रेट हमारे बदलते रहते हैं, प्रोडक्ट पर टाइम जो बनना है उसका रेट उसे कहते हैं, ये बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके और अदर फैक्टर है। अ जनरल रूल ऑफ द थंब इज द रेट ऑफ द डबल और, ठीक है, और डिक्रीज बाय सेल्फ। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज देयर डायरेक्शन, प्रत्येक 10 डिग्री की डायरेक्शन पे उसके क्या है, केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, रेट हो रहा है, वो हमारा क्या है, बदलता रहेगा। यानी टेम्परेचर अगर 10 डिग्री कम करोगे, ज्यादा करोगे, तो उसी हिसाब से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी रिएक्शन की। कैटलिस्ट रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट बेस्टली, ठीक है, हायर देन दैट द अनकैटलाइज्ड वंस, ठीक है। अनकैटलाइज्ड की अपेक्षा जो हमारे एंजाइम्स होते हैं कैटलाइज्ड होते हैं, काफी रेट को एकदम क्या है, बढ़ा देते हैं रिएक्शन रेट को। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड, द रेट वुड बी वेस्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स सब बात करते हैं तो इसकी, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हमारा H2O है। जब इसमें क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको कर देते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगती है और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो एंजाइम्स हमारे क्रिया को एकदम बहुत तेज कर देते हैं, उसी के बारे में बताया है। इन एब्सेंस ऑफ द एनी एंजाइम रिएक्शन इज वेरी स्लो, अगर कोई एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन हमारी बहुत स्लो होती है। विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O3, ये हमारे के H2O3 हमारे कार्बोनिक एसिड है, बीइंग द फॉर्म्ड एन आवर। एक घंटे में हमारे क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं हमारे किसके, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल्स हमारे एक घंटे में फॉर्मेशन हो जाती हैं। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम्स प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यह एंजाइम हमारे क्या है, कार्बोनिक साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकल विद द इतने मॉलिक्यूल्स उस समय बन जाते हैं हमारे क्या है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स विन फॉर्म द एवरी सेकेंड। देखो कितनी रिएक्शन हमारी फास्ट हो गई, वैसे विदाउट उसको क्या है, सिर्फ अगर 200 मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन, जैसे इसमें एंजाइम्स ऐड कर देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है, तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स हमारे इतनी क्रिया को फास्ट कर देते हैं। दीज एंजाइम्स आर एक्सेलरेटेड द रिएक्शंस बाय रेट बाय द 10 मिलियन पर टाइम, ठीक है, कितने मिलियन, 10 मिलियन पर टाइम बढ़ा देते हैं। द पावर ऑफ एंजाइम इनक्रेडिबल इंडीड, देर आर थाउजेंड ऑफ टाइप एंजाइम्स आर कैटलाइज्ड बाय यूनिक केमिकल और मेटाबोलाइट रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप्स केमिकल रिएक्शंस, व्हेन ईच ऑफ द स्टेप्स इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफर एंजाइम इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। बहुत सारी एक स्टेप्स होती हैं, जब भी एक परफॉर्म होता है उसी को क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं हमारे पाइरूविक एसिड में, ठीक है, तो जैसे ये हमारे के मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लूकोज कन्वर्ट हमारे किस पे हुआ, पाइरूविक एसिड में हुआ, तो ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है, तो हमारा क्या है, ये पाइरूविक एसिड क्या है, C3H4O3 प्लस 2H2 यहाँ से रिलीज होते हैं जब ग्लाइकोलाइसिस होता है। इज एक्चुअली द मेटाबोलिक पाथवे इन द ग्लूकोज बिकम्स अ पाइरूविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबोलिक रिएक्शन। इसमें क्या है, जब ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनता है तो लगभग 10 एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और वेन यू स्टडी रेस्पायरेशन इन चैप्टर, जब रेस्पायरेशन देखेंगे तो 14 यू विल स्टडी ऑफ दीज रिएक्शंस एंड दिस स्टेज शुड दैट
दिस वेरी मेटाबोलिक पाथवे विद वन और टू एडिशनल रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिले, गिव राइज टू द वैरायटी ऑफ द मेटाबोलिज्म एंड प्रोडक्ट्स। जब रेस्पायरेशन चैप्टर होगा तो उसमें पढ़ने को हमको मिलेगा। इसके बाद में इन आवर स्केलेटन मसल्स अंडर द एनएरोबिक कंडीशन जो होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमारी मसल्स में। द फॉर्म द अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म इन ईस्ट में भी इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द एथेनॉल। हेंस द डिफरेंट कंडीशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ईस्ट में अलग देखने को मिलेगा और हमारे मसल्स में अलग देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसमें क्या है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है। तो सब ये हमारे क्या है एक मेटाबॉलिक पाथवे है उसी के बारे में बताया गया है। इसके बाद में ये एंजाइम्स हैं। हाउ डू यू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, कैसे एंजाइम्स काम करते हैं हाई रेट केमिकल कंजर्वेशन में था। टू अंडरस्टैंड दिस इज द शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। ठीक है, वी हैव द ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया फॉर द एक्टिव साइट के बारे में। हम लोग पहले ही पढ़ चुके होते हैं एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम में टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं और टर्सरी स्ट्रक्चर को पॉकेट साइट कहते हैं, इसको क्रेविसस साइट कहते हैं, इसी को एक्टिव साइट कहते हैं। तो यहीं पे बाइंड होता है कौन चीज, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और द केमिकल विच कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, एक केमिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी को तो सबस्ट्रेट कहते हैं। हेंस द एंजाइम्स दैट इज द प्रोटीन्स विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट कन्वर्ट कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। सिंबलिकली दिस इज द डिपिक्टेड एज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सबस्ट्रेट से हमारा क्या है प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, इसको पी से डिनोट करेंगे और एस से हमारा क्या है सबस्ट्रेट होता है। यही केमिकल हमारा जो यूज होता है प्रोडक्ट के लिए या रॉ मटेरियल उसको कह सकते हैं, रॉ मटेरियल से यहाँ से प्रोडक्ट बनता है। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं और एंजाइम उसको क्या है पार्टिसिपेट इसमें करते हैं और इसकी वजह से इसके रेट को बढ़ा देते हैं और 10 मिलियंस पर सेकेंड के हिसाब से रेट बढ़ जाता है। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम्स दैट इट्स एक्टिव साइट। अभी बात की थी विद इन द गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट इसी कहते हैं, इसको चाहे क्लेफ्ट कहो क्रेविसेस कहो या पॉकेट कहो या फिर एक्टिव साइट कहो, ये एंजाइम की होती है जहां पे क्या है हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। दिस सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, यहाँ पे क्या है सबस्ट्रेट हमारा डिफ्यूज हो जाता है हमारा इस साइट पे और डिफ्यूज होने के बाद डिफ्यूज टूवर्ड द एक्टिव साइट। ठीक है, सबस्ट्रेट हमारा डिफ्यूज होकर एक्टिव साइट की तरफ जाता है। देर इज दस एस ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन, एक हमारा ई एस कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। E4 स्टैंड फॉर द एंजाइम्स को, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिट फिनोमिना होता है ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज वॉन्ड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। जब हमारा सबस्ट्रेट एक्टिव साइड से बॉन्ड होता है ये न्यू स्ट्रक्चर द सबस्ट्रेट कॉल्ड इसको ट्रांजिशन टेक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग द कंप्लीटेड, ये बहुत तेज रैपिडली होता है हमारा है जब ई एक्स कॉम्प्लेक्शन बनता है वहां पे। द प्रोडक्ट इज द रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और हमारा प्रोडक्ट हमारा एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट्स द ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसको सबस्ट्रेट से हमारा कैसा हो जाए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाथवे इज द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, इसी को कहे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। ठीक
ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारा पीएस कॉम्प्लेक्स हमारा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ट्रांजिशनल स्टेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग ग्राफ को पहले समझ देख लेंगे, उसके बाद पहले थ्योरी समझते हैं फिर ग्राफ देखें। देयर इज कुड बी मेनी मेजर द अल्टरनेट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्टेट एंड प्रोडक्ट इम्प्लिसिट इन दिस द स्टेटमेंट द फैक्ट ऑफ द ऑल अदर द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द अनस्टेबल स्टेबिलिटी इन सम रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल दस स्ट्रक्चर वैन वी लुक एट द दिस पिक्चरली थ्रू द ग्राफ इट लुक द सम ऑफ द फिगर, ये भी बात करेंगे। इसमें एक्सेस की यूज करे गए हैं, वाई एक्सेस प्रिपेयर द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट दिए गए हैं और एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट थ्रू द ट्रांजिशनल स्टेट के बारे में जो ग्राफ एक्स और वाई में रिप्रेजेंट किया गया। यू विल बी द नोटिस द टू थिंग्स, यहाँ पर दो चीज नोटिस करने को मिलेंगे, एक एनर्जी लेवल द डिफरेंट बिटवीन द स्टेट सब स्टेट में और हमारे क्या है प्रोडक्ट में। इफ इफ पी इज एट द लोअर लेवल देन द सब स्टेट, अगर हमारा प्रोडक्ट कम बनना है सब स्टेट की अपेक्षा द रिएक्शन हमारी कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक हमारी होती है, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। वन नीड द नॉट सप्लाई एनर्जी बाय द हीटिंग, ठीक है, ये हमारे क्या एनर्जी सप्लाई नहीं कर रही है जब इसको क्या हीट करेंगे। इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट हाउ एवर द वट एवर इट इज एन द एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन, इसी को है एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायरिंग फॉर द रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो हमारी रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक ऐसी होती है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एंडोथर्मिक ऐसी होती है जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द स्टेट द एस हैज टू गो थ्रू द मच हायर एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इन द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट एस फ्रॉम दैट दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो कुछ ट्रांजिशन स्टेज होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब उस क्रिया को प्रारंभ करने के लिए इतनी एनर्जी हमको चाहिए चाहिए, तो ये थ्रेस होल्ड एक होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या है ट्रांजिशनल, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है और इसी को हमको ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं। एंजाइम्स आर इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशनल एस टू पी मोर इजी। ठीक है, तो एंजाइम्स को क्या कर देते हैं, जो ट्रांजिशनल स्टेट होती है उसको बहुत डाउन कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, कम एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी ग्राफ के इसमें दिया गया उसको यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट को जब एंजाइम विदाउट एंजाइम से स्टार्ट कराते हैं तो ट्रांजिशनल स्टेट यहाँ पे इतनी एनर्जी इसको चाहिए तब हमारा प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या है बनता है। बट इसमें हम लोग एंजाइम को मिक्स करा देते तो इसकी जो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी कम हो जाती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स और हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के बारे में उन्होंने बताया है। ये सबस्टेट है, सबस्टेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्रांजिशनल स्टेट हमारी इतनी निकल के आती है विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम्स होते हैं तो यहाँ पे अंतर देखना कितना यहाँ पे निकल के आता है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ये है हमारा क्या है नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन का नेचर क्या होता है। इच एंजाइम्स ई हैज सबस्ट्रेट
एस बाइंडिंग साइट द मॉलिक्यूल सो दैट द हाईली रिएक्टिवेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इस प्रोड्यूस बनता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोसिएशन होता है इन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हमारा तुरंत हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है और हमारा क्या डिसोसिएशन होता है, ई एस बनता है हमारा सबसे पहले एंजाइम, ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, पी हमारा क्या होता है प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंजाइम प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स, ई पी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यहाँ से क्या है अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ये बाइंड करते हैं, साइट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसके बाद ई पी एंजाइम प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। ये एंजाइम का फिनोमिना है। ठीक है, ये इसके इसमें बताया गया है द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप्स। जब कैटालिटिक साइकिल होता है तो कुछ स्टेप्स, इसमें चार स्टेप का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट हमारा क्या होता है द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम फिटिंग इन टू द एक्टिव साइट्स। सबस्ट्रेट हमारा जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या है वहां पे फिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो बाइंडिंग द सबस्ट्रेट induce enzyme alter its shape fitting the more tightly around the substrate। ठीक है, दूसरी बात में यहाँ पे क्या है बहुत tightly यहाँ पे क्या है बिल्कुल bind कर लेता है हमारा substrate enzyme की उसमें। फिर तीसरा जो step इसमें these active sites are the enzymes now close proximately of the substrate break। ठीक है, इतनी highly close हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे break the chemical bonds bonds to substrate and the new enzyme produce complex। ठीक है, यहाँ पे बहुत highly complex हो जाती है और इनके जो chemical का reactions होता है उसको तोड़ देती है और नया एक complex formation होता है जिसको हम लोग, ठीक है, एक complex का new enzyme production complex यहाँ पे का formation होता है। इसके बाद में चौथा स्टेप है द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट्स रिएक्शन दैट फ्री एंजाइम्स रेडी टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ठीक है, और इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना था भी अलग अलग हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट यहाँ से फिर अलग हो जाएगा, पिछले वाले हम देखा था, और यहाँ से हमारा एंजाइम फिर अलग हो जाएगा। ये एंजाइम फिर से हमारा पहुंचता है, फिर से हमारा क्या काम कराता है जो सबस्ट्रेट को फिर से बाइंड कराएगा, बाइंड कराने के बाद कॉम्पैक्टली फिर से बाइंड कराएगा और फिर से हमारा ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में फिर हमारा क्या है ई पी एंजाइम प्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसके बाद में अलग अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग बन जाते हैं। तो ये फोर स्टेप्स हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में ये रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है इसमें, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर और पीएच। अगर टेम्परेचर उसका क्या है इंक्रीज होगा और पीएच इनमें चेंजिंग आएगा तो हमारी क्या है एंजाइम एक्टिविटी दोनों बदल जाएंगी। ठीक है, इसको अलग अलग पीएच और उसमें अलग अलग, इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं।